अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तो कहाँ तो खैरियत से हो गए। मैं हूँ फैसल और आप देख रहे हो एफएस स्पेक्टेटर्स। तो यार सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा माजरत, क्योंकि कुछ दिन मैं व्लॉग का नहीं बना पाया, लेकिन यार खैर मुझे घर में जो कुछ बहुत ज़्यादा काम थे जिस वजह से मैं रोज़ नहीं व्लॉग बना पा रहा था। लेकिन यार अब आपका भाई वापस आ चुका है। तो यार अभी जिसने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो मत भूलिएगा। तो यार हमारे स्नो ब्राउनी है, पहले सबसे पहले तो मैं उनको खोलने लगा। आ जाओ स्नो ब्राउनी। यार जो हमारी स्नो ब्राउनी है ना, और एक स्नो वाइट थी हमारी जो स्नो वाइट है ना वो तो है मर चुकी यार। वो ना इसी तरह ही उन्होंने जैसे पहले पीछे मैंने आपको दिखाया था घर बनाया हुआ था ना, लेकिन मैं ढूंढ रहा था उसे घर के अंदर, लेकिन उसने वो हमें घर के अंदर नहीं मिली। तो मैंने देखा तो इन सुराख के अंदर ही ना हमारी स्नो वाइट थी जो वो मरी हुई थी। कुछ दिन मैं आपको बता रहा हूँ व्लॉग में नहीं बना पाया, लेकिन ना उसी दिनों के दौरान हमारी जो है स्नो वाइट वो थी सुराख के नीचे और वो सुराख के अंदर ही मर चुकी थी। और मैंने शायद पिक्चर में भी पढ़ी है, मैं आपको पिक्चर अभी दिखाता हूँ। मगर यार कह रहा है यार हमने जो है इसी भाई को कह के ना ऑर्डर दिया हुआ है रैबिट का, बहुत ही जल्द हमारे पास रैबिट भी आ जाएंगे, क्योंकि यार हमारे पास सिर्फ एक ब्राउनी और एक स्नो रह गया। अब हम इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रैबिट्स हो गए, सिर्फ दो रह गए हैं। तो मैंने किसी को कहा तो अब जल्दी से जल्दी वो शायद रैबिट ले आए, फिर हमारे पास और भी ज़्यादा रैबिट्स आ देंगे प्यारे प्यारे। जैसे हमारे पास ब्राउनी है हमारी, बस ये तो जैसे प्यार बस लेती रहती है, स्नो तो भैया आता ही नहीं है पास। तो यार ये आ गया हमारा चिक दोस्तों, हमारे पास 12 चिक थे जिसकी मैं उतार रहा हूँ। मैं कुछ दिनों तक व्लॉग नहीं बना पाया, सिर्फ हमारे पास ये अकेला चिक रह गया हमारा। 12 चिक थे रोज हमारा एक दो एक दो एक दो, मतलब रोज एक एक ना कोई मर रहा था, और आखिर पे आके ये बचा हुआ है हमारे पास केला। और जिसकी वजह से जो हमारा पिजन है, जो हमने पिजन पकड़ा था, मैंने आपको बताया, वो बताया कि आपने खुद ही देखा था कि वो हमने पिजन था वो अपने चिक्स के साथ रख दिया था। आपको पता है चिक्स में तो होती है ज़्यादातर बीमारी, क्योंकि ये वाले चिक्स हैं वो ज़्यादातर बीमार होते हैं। हमारे चिक्स की बीमारी की वजह से हमारा पिजन है जो वो भी बीमार हो गया है। कुछ दिनों तक ऐसे मैं दवाई दे रहा हूँ, हाथों से इसे हैंड फीड करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी चूंचे खुद मार के नीचे खाता है पर दाना नहीं उठा पाता, इसलिए मुझे इसको खुद खिलाना पड़ रहा है। अभी भी थोड़ी देर तक इसे मैं खुद हैंड फीड से खिलाऊँगा और इसे दवाई दूँगा अभी खुद। यार दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ये हमारे पास सिर्फ एक केला चिक रह गया हमारा, मैं सोच रहा हूँ मैंने इसका नाम रख दिया, इसका ऐसे मैंने नाम रख दिया चूचू। यार ये मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, एक केला ही हमारे पास अभी हमारा चिक रह गया, इसका नाम आज रख दिया चूचू। हैं चूचू, चूचू है भाई जो ना जाके जाता है पिजन के नीचे, जैसे उसकी माँ नहीं होती उसके नीचे बैठ जाता और पिजन भी उसको पंख खुला के ना उसको नीचे बिठा लेती है, मतलब कि आपस में दोनों रहते हैं। मुझे इस वजह से लगता है थोड़ी पिजन भी हमारी बीमार हो चुकी है। यार बहुत जल्दी हमने ना अपने पिजन के भी पार्टनर लेके आना और भी पिजन लेके आने हैं। तो यार आज जो है मैं ना फिलहाल जाऊंगा अपनी जो नया केजिस बनाने हैं ना केजिस, मैं आज जो जाके ना केजिस का सामान ले आऊँगा, फिर यार शायद हम कल से ना केजिस का ना काम भी स्टार्ट कर दें। बस आज मैं जाऊँगा तो फिलहाल देखते हैं टाइम अगर मिला मैं जाऊँगा सामान ले कर आऊँगा, फिर भाई हमने कल से ना जो केजिस बनाना स्टार्ट करने, क्योंकि हमारे पे अपने कुछ रह ही नहीं गए, सिर्फ हमारे पास ये रह गए हैं और हमारे पैरेट्स रह गए हैं। और यार कुछ दिनों में हमारे ना तकरीबन 2 से 3 हमारे पैरेट भी मर चुके हैं। तो यार उनके लिए भी मैंने और ना लेके आने हैं मटकियाँ लेके आनी है बॉक्स, जिसके अंदर वो और अच्छी अच्छी ब्रीड करें। यार मैं ना कुछ दिनों से इनको ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो मटकी में जा रहे हैं, तो मुझे शक पड़ रहा है जैसे वो अंडे दे रहे हैं, लेकिन यार मुझे कन्फर्म नहीं है। जो नीचे बॉक्स हैं वो तो मैं चेक करता रहता हूँ, मतलब एक दो दिनों से करना मैं वो चेक करता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ पहुँच जाता है। तो यार मैं आ जाके ना वो भी चेक करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा, पता नहीं उन्होंने अंडे दिए हैं कि नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई जल्दी से आ जा, अगर उन्होंने अंडा दिया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यार हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा और हमारे पास भी, क्योंकि इनकी जनरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यार बस आज चलेंगे अंदर चेक भी कराएंगे आपको, वो चिंटू मिंटू जो जो कोकोस भी मिलवाएंगे यार। तो यार दोस्तों अभी तो मैं अपने स्नो ब्राउनी के लिए ले आया हूँ छली, क्योंकि सिट्टा काफ़ी शौक से खाते हैं, तो मैं इनको अभी डालता हूँ छील के ना। जी चूचू भी अंदर चला गया, वो डर ही जा रहा है। स्नो ब्राउनी आ जाओ, ये देखो मैं तुम लोगों के लेके आया हूँ सिट्टा, पहले इसको छीलते हैं फिर डालते हैं। दोस्तों ये देखो अभी मैंने सिट्टा ही छीला और वही ब्राउनी है ना सिट्टे का गंद उठा के ले गई, खाने लग पड़ी है अंदर। ये देखो मैं इसके लिए सिट्टा लेके आया हूँ और इसने भेजिए वो उठा के शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने इनको कल भी सिट्टा डाला था। फिलहाल मेरे ख्याल है सिट्टा तो खा लिया, अभी ये आ गई। अच्छा ब्राउनी खा ले जी। भाई सुनो नुक्कर में लग गए हो, बच्चे देने हैं कि नहीं? भाई सुनो भी आते हैं, बड़ी बात है यार, पता नहीं इन्होंने कब बच्चे देने हैं, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ उनके बच्चे देने का।
और इन्होंने गंद जो है काफ़ी डाला, अभी मैं भी इनका गंद भी सारा साफ कर दूंगा। तो यार अभी अभी जो है मैंने अपने पिजन को फीड करवा दिया है और अब वो खुद थोड़ी सी चूंचे मार के खा रहा है। पहले चले खुद खा ले यार, फिर अभी जैसे खा पी लेंगे ना तो फिर इनको करेंगे हम बंद। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा अंदर जाके अपनी बची कल नहीं, उसमें चेक करना है बस, अगर अंडे हुए तो वेल एंड गुड, अगर ना हुए तो चलो उसका साथ लगाएंगे और हो हम मछलियाँ और वो लगा देंगे आज बॉक्स। तो यार दोस्तों इस तक मैं आ चुका हूँ अपनी बजी कलोनी के बाहर, तो अभी तो मैं अंदर जाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले जो जो एंड कोको चिंटू मिंटू बुला रहे हैं उनके भी लिबास सुन लेते हैं। क्या हुआ ले, क्या जो जो कोको कह रहे हैं हमें भी ब्रीडिंग बॉक्स ला दो, हमने भी ब्रीड करनी है यार, हम बहुत जल्दी जो जो कोको के लिए भी ब्रीडिंग बॉक्स लेंगे। और इनकी नहीं समझ आनी, इन्होंने पता नहीं कब अंडे देने हैं, अभी पहले उनकी चेक कर रहे हैं पोजीशन, के बाद में इनको चेक करते हैं अंडे दिए कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल भी नहीं अंडे दिए हैं। तो इस तरह करते हैं, चलते हैं अंदर पहले। दोस्तों हम बजी कलोनी में तो आ चुके हैं, मैंने पीछे बॉक्स वगैरह तो चेक किए हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं है। तो यार इन्होंने बहुत ही चार गंद मचाया हुआ था, सबसे पहले मैं आया हूँ, मैंने ना सारा गंद साफ किया और देखो मैंने छलियाँ कहाँ लगाई हुई हैं, मैंने कहा नेचुरल तरीके से बैठ के खाएंगे ज़्यादा चलेगा। और यार अभी इनको मैं ला के दाना इनका डाल देता हूँ, क्योंकि अभी ना उन्होंने काफ़ी गंद मचाया हुआ था, मतलब कि अभी मैंने सारी चीज़ें सफाई की है ना, और दाना पानी भी जो था काफ़ी गंदा हुआ था, तो हमने कहा यार चलो कोई बात नहीं दाना भी चेंज कर देते हैं। तो भाई टाइम आ चुका है भाई चेक करने का, मुझे नहीं लगता अंडे दिए होंगे, बस चेक करते हैं यार, पता कुछ हो ही आती किस्मत। क्या तू इस तरह करते हैं स्टार्ट इस मटके से, पहले से करते हैं, चल चल चेक करते हैं पहली मटके। ये तो ये खाली पहली मटके खाली, मुझे नहीं हो रहा कि दिए होंगे कि नहीं, ये भी खाली। चलो कह रहे हैं यार हम तो चेक करने आए हैं कि उन्होंने अंडे दिए होंगे, तो अच्छी बात है, ये दिए होंगे तो मस्ता नहीं है, तो इसमें चेक करते हैं। यार इसकी मटकी के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी अंदर तोती बैठी थी, मैं डर गया, मैंने कहा शायद अंडे नहीं होंगे, लेकिन ये भी खाली है, ये बॉक्स वैसे खाली है, ये तोती बैठी हुई है इसके अंदर, इसे चेक कर लेते हैं। ओ भाई इसके तीन अंडे दिए हुए हैं, एक दो तीन, हमारी बजी कलोनी में भी आना शुरू हो गए हैं अंडे, जो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमारे पास दो हफ्ते से तीन अंडे दे दिए हैं, सारी मटकियाँ वगैरह खाली हैं, सिर्फ इसलिए नहीं है यार, ये यकीन नहीं हो रहा यार, ये अंडे निकाल के चेक करते हैं सही है कि नहीं, मुझे नहीं यकीन हो पा रहा यार, बहुत हैप्पी यार मैं आज तो, चेक करते हैं इसे बाहर निकालते हैं। यार अंडे भी सारे फर्टाइल लग रहे हैं यार, मैं इस तरह करते हैं नहीं जल्दी अंदर रख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले ही सोचिए अंडे नहीं है ये नो कि वो अपने अंडे छोड़ दे यार, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार, ये देखो हमारी तोती ने तीन अंडे दे दिए हैं, अभी सारी मटकियाँ खाली और इस तोती ने भाई तीन अंडे दिए यार, मैं जल्दी जल्दी से रख देता हूँ इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। तो यार हमने अंडे तो है वापस रख दिए हैं, अब जल्दी जल्दी से तोती आ जाए, इससे पहले हम ज़्यादा से डिस्टर्ब ना करें, तोती वही है बैठी है, ये इसका मेल बैठा होगा, भाई इसे तंग नहीं करते, हम चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी अंडों पर बैठी हुई है, क्योंकि काफ़ी जब अंडों पर तोती बैठी हुई अग्रेसिव होती है मैंने सुना है, इस तरह करते हैं यार चलते हैं बाहर, और आप हम जो जो इन कोको से मिलते हैं। तो यार अभी हम आ चुके हैं अपनी बजी कलोनी से बाहर, तो यार हमारी तोतियों ने अंडे देना मतलब शुरू कर दी, नहीं जगह काफ़ी पसंद आ गई है, और अब चेक करना हमने चिंटू मिंटू को। हाँ जी चिंटू मिंटू क्या लगता है अंडे दिए हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता इन्होंने अंडे दिए होंगे, क्योंकि इनकी हरकतें जैसी हैं ना, लेकिन चेक कर लेते हैं बॉक्स इनका भी, खाली लग रहा है खाली, भाई मुझे पहले ही पता था इनका बॉक्स खाली है, मगर चलो खैर यार इनका भी हम कोई सेटअप लगाते हैं, इन्हें भी कहीं अच्छी जगह पे रखते हैं, मैं कोशिश सोचूंगा अगर इसके अंदर ही रख दें तो ठीक है, वरना इसका केज भी उठा के। तो यार लेकिन आज बहुत मज़ा आया कि हमारी बजी कलोनी ने अंडे देना शुरू कर दिया, भाई एक दो भी नहीं तीन डायरेक्ट अंडे दिए हैं उसने, मतलब डायरेक्ट तो नहीं बारी बारी करके दिए होंगे, लेकिन यार बहुत मज़ा आया आज हमारी बजी कलोनी में भी अंडे आना शुरू हो गए हैं यार, इसी तरह ही जली जली से अंडे देते रहे ना और मज़ा आएगा। मैं तो यार हम कलोनी में तो पहुँच चुके हैं, इनका पानी और ये दाना आ गया, अभी बार बार नीचे आ रहे थे दाना पानी खाने के लिए, क्योंकि आपको कुछ पड़ा नहीं था, और यार ये बस इसी तरह ही कलोनी में खुश ने और अच्छी अच्छी ब्रीड करे यार, मैं और सोच रहा हूँ बस कल जल्दी जल्दी से आए, फिर हमने बाहर अपने केजिस का भी काम स्टार्ट करना है, और यार यहाँ पे बस ये हमेशा अंडे दें यार मज़ा आएगा, जितने जितने अंडे देंगे उतना और हमें मज़ा आएगा, फ़ायदा भी होगा यार मेरे का और हमारे पेरेंट्स बढ़ेंगे। तो यार आज के लोग मैं कह रहा हूँ यही पे एंड, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिसने भाई ने नहीं किया होगा, वो प्यारे से सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, अल्लाह।